ये चम्मच ज्यादा गर्म हो गई है। तो मेरे दोस्त मुसलमान खामोश बैठा हुआ, इसका मतलब डरा हुआ नहीं है किसी से, और हम इस देश से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस देश के लिए जान ले भी सकते, जान दे भी सकते। और मेरी जान, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, इसका मतलब हुआ कि उस मुल्क से मोहब्बत करो, वहां के लोगों से भी मोहब्बत करो। तो हम मुसलमान हैं, समझे, हम उस मुल्क से मोहब्बत भी करते, वहां के लोगों से मोहब्बत करते, और वहां की संस्कृति से भी मोहब्बत करते। और सोनू निगम, मेरी जान तेरे से तो मैं एक बार मिल चुका हूँ, एक या दो बार तेरे से मैं मिल चुका हूँ मुंबई में, और मैं भी मुंबई करूँ, समझा। तूने अभी तक मुसलमानों की गुंडागर्दी देखी नहीं है, हमने गुंडागर्दी की का है मेरे बच्चे, हाँ वही मोहम्मद रफी के गाने गा गा के तू फेमस हुआ है। तेरे से जब मैं मिला था तो मुझे लगा था तू एक अच्छा इंसान है, मुझे नहीं लगा तू इतना नीच इंसान है, समझा। मत कर बेटा इन इन सब राजनीति में, मत आ तू, समझा, राजनीति में मत पड़, नहीं तो बहुत बुरा फंसेगा, इतना याद रख, समझा। और एक हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी एक मैसेज है कि भाई एजाज खान ने एक बात बोली आज से दो दिन पहले, एक वीडियो अपलोड किया है कि जो टुकड़ों में बटे हो ना, शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस फलाना ढिमका हनफी शाफी मलिकी, तो मेरे भाई मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। जब तक तुम मुसलमान नहीं होंगे तब तक मार खाते रहेंगे, और ये अरे गरे नत्थू खरे आके हमारी ऐसे बजाते रहेंगे। जिस दिन हम एक हो गए, जिस दिन हम लोग मुस्लिमीन हो गए, उस दिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इसलिए मार खा रहे क्योंकि हम हनफी शाफी मलिकी हम्बली में बटे हुए, हम फिरकों में बटे हुए, इसलिए हम आज, हमें आज कोई भी अहरा गहरा नत्थू खरा आके हमारे हमारे मजहब के ऊपर उंगली उठा रहा है, और हम कमजोरों की तरह खड़े के देख रहे हैं। हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, हाँ किसी का कुछ नहीं कर सकते। क्या हो गया मुसलमानों आप लोगों को, हाँ मुसलमान है किधर हिंदुस्तान में, मुसलमान है किधर? मैं शिया, मैं सुन्नी, मैं देवबंदी, मैं अहले हदीस, मैं वहाबी, अबे सालो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो ये अहरे गहरे नत्थू खरे आके हमारे घर में घुस घुस के हमको मार के चले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे। सुधर जाओ, ये मुसलमानों की कमजोरी है जो आज हम फिरकों में बटे हुए, सुधर जाओ नहीं तो हमारा ऐसा वक्त आएगा कि हमको ये दौड़ा दौड़ा के हमारे रस्ते के ऊपर हमको मारेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भी तुम लोगों के पास वक्त है मुसलमानों, सुधर जाओ। हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमारे नबी ने कहा जिस मुल्क में रहो उस मुल्क में मोहब्बत करो, हम हमारे मुल्क से हिंदुस्तान से मोहब्बत करते, समझे, हमें उकसाओ मत। और बेटा सोनू निगम ये चेहरा याद रख ले, समझा, अच्छे से याद रख, मेरा नाम है आमीन दाऊद परकार, समझा, गांडो घुस के मारूंगा आके घर के अंदर, इतना याद रखना, समझा। तेरे बाप का मुल्क नहीं है वो, समझा, वो मुल्क हमारा, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान मुसलमानों का भी मुल्क है। हम अगर हमारे मुल्क के लिए जान ले सकते तो जान दे सकते, ज्यादा उछलना नहीं, इतना याद रख। गांडू कोकनी मुसलमानों, कोकनी, समझा, कोकनी याद रखना, बाप है बंबई में सबका कोकनी, समझा। आज के बाद अगर तूने एक भी अनशन बका इस्लाम के बारे में तो तेरे को इसी जगह घुसाऊंगा आगे, कि जिंदगी भर याद रखेगा साले, समझा, उखाड़ लेना साले आके।